जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब तब जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो। डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र दो बूंद जल भी, थोड़ा सा एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो अच्छा लगा हो, उपाय अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।